मैं जब भी यथार्थ का पीछा करता हूँ देखता हूँ वह भी मेरा पीछा कर रहा है, मुझसे तेज भाग रहा है। घर मेरा बाजार हर जगह उसके दांत चमकते हुए दिखते हैं। अंधेरे में रोशनी में घबराया हुआ मैं नींद में जाता हूँ, वह वहाँ भी मौजूद होता है। एक स्वप्न से निकलकर बाहर आता हूँ तो वह वहाँ भी पहले से घात लगाए हुए रहता है। यथार्थ इन दिनों इतना चौंधियाता हुआ है कि उससे आंखें मिलाना मुश्किल है। मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो वह एक हिंसक जानवर की तरह हमला करके निकल जाता है। सिर्फ कहीं कहीं उसके निशान दिखाई देते हैं, किसी सड़क पर, जंगल में, पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी के भीतर, एक उजड़ा हुआ चूल्हा, एक दही हुई छत, छोड़ कर चले गए लोगों का एक सुनसान। एक मरा हुआ मनुष्य इस समय जीवित मनुष्य की तुलना में कहीं ज्यादा कह रहा है। उसके शरीर से बहता हुआ रक्त शरीर के भीतर दौड़ते हुए रक्त से कहीं ज्यादा आवाज कर रहा है। एक तेज हवा चल रही है और विचारों, स्वप्नों, स्मृतियों को फटे हुए कागजों की तरह उड़ा रही है। एक अंधेरी सी, एक काली सी चीज हिंसक पशुओं से भरी हुई एक द आइडेंटिटी ऑफ द किलर्स। But what we surely know is the identity of those who fostered this climate of hate, fear, and intolerance, which facilitated her murder. We also know who have been openly and brazenly celebrating her murder and vilifying her even now. Yet. Her brother, amid all this, is going out of his way, her brother Indrajit, is going out of his way to discount the possible complicity of Hindu right wing, with whom she had repeatedly and valiantly fought. I am afraid that maybe fingers will be pointed at in other directions, maybe we will never actually get to see the faces of the killers. But here is the thing that we have to no longer rely on the formal channels of investigations, etc. We have to use our own thinking faculties, and as journalists we have access to a lot of information. We have access to technological resources. We are part of a media world which is completely changed. We are big heart, and she reached out to a variety of people with a variety of social concerns and touched all those lives. तो गौरी की हत्या के बारे में सुनने के बाद जो अभी तक इसके बारे में बोलना या लिखना मेरे खुद के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कहें इसके बारे में, क्योंकि गौरी का कि एक बात मुझे ज़रूर लगी कि हम जैसे लोगों को जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 3 साल से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तो बहुत ही फालतू हैं, आप तो बेकार हैं, आप जो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हत्या के लिस्ट में जब रखा जाता है कि आपको इतना डर लगता है किसी की बेबाकता से, किसी की बेबाक जबान से, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूटाइल तो बिल्कुल नहीं है, बेकार और फालतू तो बिल्कुल नहीं है। आप हम लोगों की गिनती अगर आपके माने हत्यारे जब हम लोगों की गिनती अपने हिट लिस्ट में करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बैज ऑफ ऑनर है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. If something happens to me tomorrow, I'm saying this because they have branded me the same way. Do not hold just those hired gunmen responsible. Hold media anchors responsible. Hold spokespersons who come every night in television channels and speak venom, spew venom. Hold all of them responsible because all of them have created this situation where anyone can be killed, anyone can be eliminated. And this is a question we are posing, who's next? Who's next that they want to target tomorrow? And when we have gathered here, as Sanjay said in the beginning, I have not come here in grief. Yes, I am sad, but I have not come here in grief. A poet once said that do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. 2 days back, it was not Gauri Lankesh who was shot at. It was India's democracy that was shot at.